सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल आज का दिन में बहुत पॉपुलर हो गया। अरुणाचल इज़ वेरी पॉपुलर, नॉट इन टर्म्स ऑफ गुड थिंग्स, बट करप्शन को लेकर अरुणाचल इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। अगर यही ट्रेंड्स करप्शन को लेकर अरुणाचल अगर पॉपुलर ऐसा होते जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है अरुणाचल विल बी नॉन एज द मोस्ट करप्टेड स्टेट इन द नेशन। और हाल ही में जो ये APPASC का जो एग्ज़ाम को लेके और कुछ जो करप्शन ये पेपर लीकेज को बात को लेके ये बात बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल का ये आज तक ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैंडल आफ्टर 2020 APSSB का जो बोर्ड APSSB जो एग्ज़ाम था उसके बाद ये आज तक अरुणाचल में हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ स्कैंडल इन जॉब। तो इस सबसे पहले तो इसमें थैंक यू बोलना चाहिए हमारा SP पापुम कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्रीराम साहब को, जिन्होंने एक हमारा एक बाइक ग्यामर पादंग का पैर को लेके तुरंत कार्रवाई करके अभी तक जो हाल में जो ये इंफॉर्मेशन मिला है और FIR के थ्रू से आज तक 5 अरेस्ट किया बोल के ये खबर मिला है। तो दिस इज समवेयर डिमोरलाइजिंग द यूथ जो ये एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को लेके सपना देख के रखा, आने वाला समय में एक अच्छा अफसर बनेगा, एक अच्छा कुर्सी देखेगा, अच्छा कुर्सी कोशिश करेगा, उन लोगों के जो जेन्युइन एस्पायरेंट कैंडिडेट्स लोग के लिए ये एक डिमोरलाइजिंग बात है। क्योंकि बहुत सारा आज एजुकेटेड यूथ ने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके यही एक उम्मीद लेके रखा था कि हम ये एग्ज़ाम को क्रैक करके हम एक अपना सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक अच्छा जगह बनेगा, अच्छा जगह में बैठेगा, ये सपना लेके रखा था। लेकिन हाल ही में जो इश्यू चल रहा है इसको देख के उन लोगों के लिए भी ये बहुत दुखद वाला बात है। एंड बीइंग ए यूथ लीडर, ये जो करप्शन इश्यू है ये पेमा खांडू लेट BJP गवर्नमेंट में ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब भी इंटरव्यू कॉल होता है, जब भी एग्ज़ाम्स होता है, हमेशा करप्शन, पेपर लीकेज, ब्राइबरी, ये केसेस देखने को मिल रहा है। तो इसको हम ये बोलता है फादर ऑफ दिस करप्शन, ये जो भी करप्शन चल रहा है, जो भी स्कैंडल बोलो, जो भी ये है, इसका फादर जो है सरकार है। सरकार का अभी फादर कौन है? पेमा खांडू है, उसका नेतृत्व में चल रहा है। वो बोलता है हिज गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंसी एंड जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट, अभी ये तो देखने मिल रहा है। जब से उनका सरकार चला रहा है, BJP सरकार जब से स्टेट को चला रहा है, हर रोज़ ये इश्यूज़ को देखने मिल रहा है। हर रोज़ जो एस्पायरेंट कैंडिडेट्स लोग होता है सड़क पे प्रोटेस्ट करते दिखाई देता है, IG पार्क पे धरना बैठते दिखाई देता है, ये एक रेयर केस वाला बात नहीं, इस इज़ वेरी कॉमन नाउ इन अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली इन ईटानगर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट सही ढंग से नहीं चला पाने का कारण से हो रहा है। और इसका करप्शन मेन वो लोग हैं जो BJP में इलेक्टेड होकर बैठा हुआ है, दे आर द मेन करप्टेड लीडर्स। अगर वो इलेक्टेड लीडर सही होता तो आज ये करप्शन देखने नहीं मिलता, क्योंकि गलत तरीका से सरकार अपना मशीनरीज को यूज़ कर रहा है। ये रिपोर्ट में ये बता रहा है कि जो आदमी पकड़ा है वो पिछले 30 साल से यही बोर्ड को देखभाल कर रहा था, प्रेस्टिजियस APSSC एग्ज़ाम को वो देखभाल कर रहा था 30 साल एक पद पे रह के संभलना, इट्स नॉट ए जॉक। और ये खबर थ्रू न्यूज़पेपर ये खबर देखने को मिला है कि 2 साल पहले उसका VP को भी बनाया बोला है ऑफिसर, उसका ऊपर में भी अभी दाऊद रहना जेन्यून है, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट आने वाले केस उसका ऊपर में अगर दाऊद रखता है इस जेन्यून केस कुछ ना कुछ करके तो बनाया होगा। तो ऐसे सोच के जो सक्सेसफुल विदाउट एनी करप्शन जो सक्सेसफुल होके इस पद पे APPSC के थ्रू से जो पद मिला है उन लोगों के लिए सक्सेसफुल जो बन के बैठा उन लोगों के लिए एक ये भी डिमोरलाइजिंग वाला एक मैसेज है। उनका ये विश्वास को हर्ट करता है। तो आने वाला समय, आने वाला युद्ध जो प्रिपेयर कर उसका लिए भी ये बहुत बड़ा ये डिस्करेजिंग
न्यूज़ मिल रहा है। दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि जो आज सुबह एक मीडिया रिपोर्ट न्यूज़ पेपर में आया कि सीएमओ का ऑफिस में ही दो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने एलिगेशन दिया है, तो उसका बारे में आपको क्या कहेंगे? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, करप्शन की आज अरुणाचल में जो करप्शन का इश्यूज है, उसका पिताजी, उसका पेरेंट पेमा खांडू सरकार है, पेमा खांडू रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए, क्योंकि उसका ही मंदिर से, उसका ही घर से ये करप्शन इश्यूज अभी आ रहे हैं। तो सीएम शुड टेक रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस करप्शन। जो भी अभी इस करप्शन का एलिगेशन आ रहा है, ये करप्शन को लेकर स्कैंडल का इश्यूज आ रहा है, सीएम पेमा खांडू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा सवाल मैं सब पूछना चाहूँगा, जो रिसेंटली जो एएससी का फुटमार्क जो चल रहा है दिल्ली तक, कल हमने देखा है कुछ पॉलिटिकल लीडर जबरदस्ती उन लोगों का होटल में घुसता है और झंडा क्यों पकड़ना है सवाल कर रहा होता है। जो डेमोक्रेटिकली जो लोग फुटमार्क जा रहे थे उन लोगों का भी डिस्टर्बेंस किया सुबह सुबह, तो उसका ऊपर आपको क्या कहना है? क्या लगता है कि ये भी कुछ यहाँ से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया जा रहा है उनका एसीसी का जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए? इंटरफेरेंस शुरुआत से ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये तो जो लोग सरेंडर करके आया उन लोगों का ट्रू से एकदम देखने को मिला है। इस ओपन सीक्रेट की दी समवेयर पॉलिटिकली दे आर इन्वॉल्विंग टू गिव हिंड्रेंसेस, जो फुट मार्च चल रहा है उसका ऊपर में हिंड्रेंसेस पैदा करने के लिए ये तो पॉलिटिकली कुछ चाल चल रहा है। अभी उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये क्या है कि जो लोगों ने पैसा देके पुलिस थाना में पैसा को सरेंडर किया है, उसका पीछे कौन था? पुलिस वाला आराम से पकड़ सकता है किसने पैसा दिया, कैसे, कहाँ से दिया, क्यों दिया। ये अगर पुलिस पूछता उसी दिन, अगर FIR लॉन्च करते समय में या पैसा रिटर्न करते समय अगर पुलिस छानबीन सही ढंग से करते कौन दिया, पता चली जाता। हु आर द पीपल बिहाइंड दिस, पुलिस को उसी दिन पता चल जाता। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स उसको हाईजैक करने का कोशिश कर रहा है। इसे स्टेट का करप्शन को लेके दिल्ली तक ना पहुँचे, ये पॉलिटिकली पार्टी लोग जो रूलिंग पार्टी में बैठा वो चाहता है कि स्टेट में जो करप्शन चल रहा है वो दिल्ली तक ना पहुँचे, ये कोशिश कर रहा है। AACC जो टीम जो चल रहा है उनका सहयोग, उसका समर्थन तो हमारा राज्य भर की जनता जो समर्थन दे रहा है। तो आई बींग द सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉट एज पॉलिटिकल पार्टी लीडर, हम भी वॉलंटियरली सपोर्ट करता है। बट इफ़ आई गो देयर अगेन, उन लोगों को एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू बनाएगा, बोल के हम लोग दूर साइडेड बैठा हुआ है। बट द स्टेप्स, द रीज़न दे हैव टेकन अप द इश्यूज, जो मुद्दा जो उठा के वो लेके जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी जेन्यून इश्यू, क्योंकि स्टेट में करप्शन ही करप्शन है। आप वाटर सप्लाई को लेके, हाईवे को लेके, या स्मार्ट सिटी को लेके, जो भी स्कीम्स चल रहे हैं, ऑल अंडर करप्शन स्कैनर ऑन। जितना भी या प्रोजेक्ट, जितना भी इसके बीजेपी सरकार जितना भी बड़ा बड़ा टोल क्लेम कर लो कि उसका गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस करप्शन गवर्नमेंट है, बोलने से भी नहीं मानता है, क्योंकि हर जगह से करप्शन इश्यूज आया है और उसका सही जवाब आज तक गवर्नमेंट नहीं दे पाया है। पेमा खांडू आज तक सही जवाब नहीं दे पाया, इसलिए करप्शन इश्यू जो AAC उठा के लेके जा रहा है, इस इज़ वेरी जेन्युइन इशू।